हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम बनाएंगे एकदम क्रिस्पी और करारे समोसे। ये आलू के समोसे हैं। मैं आपके साथ पूरी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी एकदम परफेक्ट समोसे बनाने के लिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। समोसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन, उसमें आप 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालें। हम इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। फिर आप इसमें 1/4 चम्मच राई के दाने और 1/4 चम्मच जीरा डालें और सॉटे करें इसे अच्छे से। हम इसे तब तक पकाना है जब तक ये कड़कने की आवाज आ जाए। फिर हम डालेंगे 1 चुटकी हींग। जो हींग का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है समोसे में, तो आप स्किप ना करें। इसे भी थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ। फिर आप लें थोड़ा सा सूखा धनिया। फिर हम लेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। फिर हम लेंगे थोड़ी सी किशमिश और काजू। मैंने यहाँ 10 से 12 काजू को चॉप कर लिया है। फिर सूखा धनिया 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, और हम सारे मसाले को भून लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे 10 से 12 किशमिश ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स करें। फिर मैंने 4 से 5 आलू को उसे मैश कर लिया है उबाल के। फिर ले 1/2 कप मटर, जिसको मैंने बॉईल करके रखा था पहले से। आप चाहे तो यहाँ पे अनार भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक तरफ हम लेंगे 2 कप मैदा, उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। 2 बड़े चम्मच सूजी लेंगे आप यहाँ या रवा। फिर हम लेंगे 1/4 कप तेल, ये मोयन का काम करेगा। इससे आपके समोसे बहुत सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे, एकदम करारे बनेंगे, अंदर से बहुत खस्ता बनेंगे। इसे हम ऐसे मिलाएंगे दोनों हाथ की मदद से। फिर आप लें 1 छोटी चम्मच अजवाइन, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हम इसे मिलाएंगे, ऐसे मसलेंगे दोनों हाथ के बीच में। हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि एक मुट्ठी बन जाए। आपका समोसे का आटा एकदम कड़क होना चाहिए। जैसे हम कचौरी में बहुत सॉफ्ट आटा यूज करते हैं, हम समोसे में थोड़ा सा कड़क आटा लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे अच्छे से मसलें। ये करने से क्या होता है, जो तेल या घी हम डालते हैं वो अच्छे से मिल जाता है आटे में। हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी यूज करेंगे और एकदम नॉर्मल आटा लगा लेंगे। ध्यान रखें, हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। अब अच्छे से गूंथें आटे को। 10 से 15 मिनट में आपका आटा एकदम तैयार हो जाएगा। अच्छे से नीड करें इसे हल्के हल्के हाथों से। अब आप अपने हाथों में थोड़ा सा घी या तेल ले लें, उसे अच्छे से मसल लें और हम वापस से आटे को नीड करेंगे। इससे ऊपर आटे में फिनिशिंग आती है और इस पे कोई परत नहीं जमेगी जब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, इसलिए ऑयल लगाना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपके साथ कचौरी की रेसिपी भी शेयर करी थी, अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हम आटे को ढक के रख देंगे, रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम एक घोल तैयार करेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक और 3 से 4 चम्मच हम पानी लेके एकदम पतला घोल बना लेंगे। आप एक बड़े साइज का पेड़ा ले लें, उसे अच्छे से नीड करें ऐसे हाथों के बीच में और आपके जो सरफेस है उस पर रख लें। इसे बेलेंगे हम। ध्यान रखें, हमें इसे थोड़ा सा पतला बेलना है। आप ज्यादा पतला भी ना बेलें, नहीं तो फिर समोसे फट जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी थिकनेस होनी चाहिए आपके डो की। मैं जिस तरह से बेल रही हूं आप ऐसे ही बेलें। हमें एक बड़ा सारा सर्कल बनाना है। देखिए इस तरह होना चाहिए ये, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। अब आप जो डो है उसको साइड में रख दें और कवर कर लें। हम बीच में इसको ऐसे 2 हाफ्स में सेमी सर्कल बना लेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का वो लगाएं आप, जो सर्कल वाला साइड है उस पे। हम आलू के ऐसे एक बॉल बना लेंगे। आप इसकी जगह कोई सी भी और स्टफिंग यूज कर सकते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भुट्टे की कचौरी भी शेयर करी थी, आप चाहें तो उसकी स्टफिंग भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बॉल को बीच में रखें और ऐसे कोन शेप में इसको फोल्ड करें जैसे आप देख सकते हैं और अच्छे से पैक करें। नीचे से सील करने के लिए आप एक फोक को भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं वापस दिखा रही हूँ, ऐसे सेमी सर्कल लें, साइड में ये पेस्ट लगाएं पूरे सर्कल की तरफ, बीच में हमारा जो मसाला है उसे रखें, फिर ऐसे कोन शेप बनाएं और उसे प्रॉपरली पैक करें। उस ऊपर से पॉइंट जो है उसको भी पैक करें
नीचे से फोक की मदद से डिजाइन भी दें और आपके समोसे एकदम तैयार हैं। ऐसे आप बना के रख सकते हैं, आप इसे आराम से फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और जब इसे आपको फ्राई करना हो तो आप उसे निकालें फ्रिज से बाहर और फिर फ्राई करें। अब हमारा जो तेल है वो मीडियम गर्म हो गया है, आप 4 से 5 समोसे तेल में डाल दें और इसे एकदम मध्यम आंच में पकाएं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी जो ऊपर की कवर है वो पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये अंदर से पूरी तरह से पक जाए। इसे सिकने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप लो से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप इसे सर्व करें हरी चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ। आपके एकदम करारे समोसे तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं फिर लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।